हेलो दोस्तों, मैं गौरीशंकर शाह हूँ, आपके अपने परिवार मैस एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चक्रवर्ती व्याज का पार्ट टू देखेंगे। इसके पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप वह वीडियो देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम टाइप टू में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि रुपये 6400 का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा। तो वह है मिश्रधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है मूलधन, मूलधन हमें कितना दिया हुआ है हम देखेंगे। तो मूलधन हमें दिया हुआ है 6400 रुपये। इसके बाद हमें दर दी हुई है, तो दर हमें दी हुई है 25%। जो हमें समय दिया हुआ है, समय, तो समय हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, एक सही 1/2 वर्ष, डेढ़ वर्ष। ठीक, अब हम देखें कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन व चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन व चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक, मिश्रधन व सी आई हमें ज्ञात करना है। हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें दर जो दी हुई है 25% या वार्षिक दी हुई है, तो पहले हमारे लिए यह 25% दिया हुआ है, जो इसको हम अगर काटें तो परसेंट 100 आ जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए 1/4, यानी 4 से कितनी हो जाएगी, जो हमारी पहले वर्ष के लिए होगी, फर्स्ट वर्ष के लिए हमारी 4 से 5 हो जाएगी। अब दूसरा वर्ष तो है ही नहीं हमारा, तो हमारा यह मूलधन रहेगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। अब हमारे लिए कितना है, आधा वर्ष। तो जब 1 वर्ष के लिए 1/2, तो आधा वर्ष के लिए इसका हम आधा वर्ष कौन निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/8। अब 1/8 का मतलब दूसरे वर्ष के लिए 8 से क्या हो जाएगी, 9। तो सेकेंड वर्ष के लिए यह हो जाएगी हमारी 8 से 9। अब हम देखें 8 चौक आप कितना हो जाएगा, 32, 9 पन्ना 45। आपको क्या दिया हुआ है, मूलधन 6400 रुपये, लेकिन यहाँ तो हमें कितना दिया हुआ है, 32। ठीक, तो हम यहाँ से देखेंगे, हमें 32 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह है 6400 दे रहे हैं, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, 32 का भाग लगा देंगे, 32 × 64, इससे 200 गुना ज़्यादा। ठीक, तो यह भी इससे 200 गुना ज़्यादा होगा, तो 45 × 90 आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 9000 रुपये मिश्रधन। इनका अंतर देखें कितने का है, 45 और 32 का, 5 में से 2 हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 13। तो यह भी 200 गुना ज़्यादा होगा आपका, तो 13 × 2 = 2600 रुपये। ठीक, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज 2600 रुपये आ जाएगा। मूलधन आपका आपको पता ही था 6400 रुपये, और मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा, 9000 रुपये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में हमें दिया हुआ है किस धन का 33 सही 1/3%। अब जो हमें दर दी हुई है, वह दी हुई है 33 सही 1/3%, किस धन का, यानी मूलधन हमें नहीं पता। आपसे बोला गया है कि 2 सही 1/2 वर्ष, यानी 2.5 वर्ष में समय दिया हुआ है आपको, 2 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 2.5 वर्ष में। और आपको क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 580 रुपये हो जाता है। सी आई दिया हुआ है आपको, सी आई कितना दिया हुआ है, 580 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है वह धन व मिश्रधन, है ना, मूलधन ज्ञात करना है हमें, और मिश्रधन भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नहीं करना, 33 सही 1/3 को हम लिखेंगे, 33 100/3, तो यह हमारा हो जाएगा 100/3% का 100 नीचे आ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा हमारा, 1/3 वार्षिक। तो देखो हमारे लिए 2.5 वर्ष दिए हुए हैं, पहले वर्ष के लिए आपका मूलधन से मिश्रधन कितना हो जाएगा, हम देखेंगे 3 से कितना हो जाएगा आपका, 1, 4। दूसरे वर्ष के लिए 3 से 4, लेकिन तीसरे वर्ष तो आपका दिया हुआ नहीं, आधा वर्ष से, तो आधे वर्ष का 1/3 का आधा वर्ष निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 1/6। तो कितना हो जाएगा आपका, 1/6, तो 6 से 7। अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ अगर कट रहा हो तो हम यहीं से काट देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4।
तीन त्रिका नौ तीरी 27, यहाँ पर 4 × 2 = 8, 8 = 7 कितना हो जाएगा आपका 56। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमारा मिश्रधन 27 और मूलधन हमारा कितना है 56, जबकि हमें दिया हुआ है इन दोनों का अंतर चक्रवर्ती ब्याज, तो इन दोनों में हम अंतर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें 16 में से आपका 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 9, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, 29। ठीक है, जबकि हमारे लिए तो क्या दिया हुआ है 580 रुपये, तो हम देखेंगे कितने गुना ज़्यादा है, 29 × 2 = 58 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने गुना ज़्यादा है 20 गुना ज़्यादा, तो यह भी आपका 20 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27 × 2 = 54, 540 रुपये। ठीक है, और यह भी आपका 20 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 56 × 56 = 112, 1120 रुपये। तो यदि आप मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर यह है आपका क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 3 में आपसे बोल रहे हैं कि किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, समय आपको कितना दिया हुआ है 1 वर्ष 4 महीने, समय दिया हुआ है आपको 1 वर्ष 4 महीने। और देखें हमें और क्या क्या दिया हुआ है, मिश्रधन 4200 रुपये हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 4200 रुपये, हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन हमें क्या करना है ज्ञात। ठीक, सबसे पहले हम देखें हमें 50% दर दी हुई है, तो हम देखेंगे 50/100% का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, यानी फर्स्ट वर्ष आपका कितना हो जाएगा 2 से 3, जो मूलधन रहेगा 2 से कितना हो जाएगा 3। अब हमें सेकंड वर्ष तो दिया नहीं, हमें 4 महीने दिए हुए हैं, तो हम 4 महीने को वर्ष में बदलें तो 12 का 4/4। ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, कितना आएगा 1/3। ठीक है, लेकिन यह तो कितने महीने का आया हमारा, 4 महीने का। अब इसका 1/2 निकालेंगे हम तो हमारा वार्षिक बन जाएगा, तो 1/6 से कितना हो जाएगा हमारा 7, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 कट रहे थे काट दिए, 2 × 2 = 4, 7 × 7। अब हम देखें हमें क्या दिया हुआ है, जो हमें मिश्रधन दिया हुआ है 4200 रुपये है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 4200 रुपये, लेकिन यहाँ 7 दिया है, 7 × 6 = 42, कितने गुना ज़्यादा 600 गुना ज़्यादा, इसका अंतर देखेंगे 3, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, यह भी 600 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा हमारा 1800 रुपये, और यह भी 600 गुना ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो 4 × 600 तो कितना हो जाएगा आपका 2400 रुपये। ठीक, तो यहाँ से हमारा मूलधन आ जाएगा और मिश्रधन भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में आपसे क्या कह रहे हैं कि किस धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 33 सही 1/3 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें दर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 33 सही 1/3% की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्रधन 1600 हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है 1600, और हमें दिया हुआ है समय 1 वर्ष और 4 माह, 1 वर्ष 4 माह में मिश्रधन हमारा कितना हो जाता है 1600 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वह धन व चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, इसे हम बदलेंगे 33 × 99 = 100/3। ठीक है, तो पहले हम इसे बदल लें 100/3, यह है आपकी रेट परसेंट आएगी, जो परसेंट का मतलब बटे में 100, कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, तो पहले वर्ष के लिए तो आपका जो मूलधन से मिश्रधन होगा कितना होगा आपका 3 से 4, लेकिन हमें 4 महीने दिए हुए हैं, तो 4 महीने 12 महीने का, क्योंकि टोटल आपके 12 महीने होते हैं एक साल में, और 4 महीने दिए हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 = 4, 3 = 12, 1/3। ठीक है,
एक बट्टे तीन हमने इसे वर्ष में बदल लिया। अब हम देखें इसमें हमें एक साल का तो दिया हुआ है 33 से 1/3%, लेकिन इसका 1/3 निकालना है, तो 1/3 यानी इसका 1/3 का 1/3, ठीक, क्योंकि 33 से 1/3 का मतलब कितना, 1/3 तो कितना हो जाएगा 1/9, यानी 9 से कितना हो जाएगा आपका 10, 9 × 3 = 27, 10 × 4 = 40, कितना अंतर है आपका 13, यह चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब हम देखें आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 1600 रुपये मिश्रधन, ठीक है, लेकिन हमें तो कितना दिया हुआ है 40, आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1600, कितनी गुना ज़्यादा है, इससे 40 का भाग लगा देंगे, 4 × 16, 40 गुना ज़्यादा, ठीक, तो यह भी 40 गुना ज़्यादा होगा आपका, 13 × 52, 520 रुपये, और यह भी आपका 40 गुना ज़्यादा होगा, तो इसमें भी हम 27 में कर देंगे, 27 × 9 = 0, 7 × 28 = 8, हासिल 2 × 4 = 8 = 9 = 10, 10 = 80 रुपये, तो यह आपका मूलधन आ जाएगा, यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, किस धन का 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने, समय दिया हुआ है हमें 1 वर्ष 8 महीने, 1 वर्ष 8 महीने, ठीक, और आपको क्या दिया हुआ है 2100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, CI 2100 रुपये हो जाता है, तो मिश्रधन और मूलधन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम फिर से देखेंगे यहाँ पर वार्षिक, इससे हम दर को बनाएंगे, तो 12 × 2 = 24 = 25, 25/2% परसेंट का मतलब बटे में 100, 25 × 25, 25 × 100, 1/4 × 8, तो पहले बार साफ की 8 से कितनी हो जाएगी 9, तो मूलधन यदि 8 रहेगा तो मिश्रधन 1 बढ़ जाएगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा 9। अब हमें दूसरा वर्ष नहीं दिया, 8 महीने दिए हुए हैं, तो टोटल 12 वर्ष होते हैं, 8 महीने वार्षिक बना लेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, कितना आ गया 2/3 का 1/8, क्योंकि आपको दर कितनी दी हुई 1/8, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 1/4 × 3 = 12, दूसरे वर्ष आपका 12 से 13 हो जाएगा, 12 से 13, 3 × 3 = 12, 8 × 4 कितना आपका 32, और 13 × 3 = 39, आपको क्या दिया हुआ है CI 2100 रुपये, यानी इनका अंतर आपको 2100 रुपये, 9 में से 2 गए 7, 3 में से 3 गए कुछ नहीं 7, लेकिन आपको कितना दिया हुआ है 2100 रुपये, हमारे अनुसार तो 7 है, 7 × 3 = 21, कितने गुना ज़्यादा 300 गुना ज़्यादा इससे, तो यह भी 300 गुना ज़्यादा होगा आपका, तो 32 × 2 हम देखेंगे 3200 3200 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 9600 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। यह मिश्रधन देखें, यह भी आपका 300 गुना ज़्यादा होगा, तो 39900 9 × 3 = 27 = 7, हासिल 2 × 3 = 9 = 2 = 11, 11700 रुपये, यह आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी टाइप का, अब थोड़ा हम इसका टाइप चेंज कर दें, तो यह आपका क्वेश्चन 5वां था, क्वेश्चन नंबर 6वां हम देखेंगे, तो क्वेश्चन 6वां आपको क्या कह रहा है कि किस धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले आप देखें कि आपको मूलधन तो ज्ञात करना है, और आपको दिया हुआ है 16 सही 2/3%, जो आपको दर दी हुई है वार्षिक वो कितनी दी हुई है 16 सही 2/3%, ठीक। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, समय 1 वर्ष 9 महीने, जो समय दिया हुआ है हमें वह हमें दिया हुआ है 1 वर्ष और 9 महीने, यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, तो वह धन व चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि मिश्रधन आपको 6300 रुपये दिया हुआ है, मिश्रधन आपको कितना दिया हुआ है 6300 रुपये, ठीक। अब हमें वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक। तो
तो हम पहले देखें, पहले बार 16 * 48 दो 50/3, दर को हम बना लेंगे 50/3, परसेंट का मतलब 100, 50 * 50 = 50, 50 * 2 = 100, 1/6। पहले वर्ष के लिए 6 पर ब्याज 1 मिलेगा आपको, 6 से 7 हो जाएगा, तो मूलधन आपका 6 रहेगा और मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा 7। अब दूसरा वर्ष नहीं दिया आपको, 9 महीने दिए, तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3 * 9 = 12, 3/4। अब इसका 1/6 निकालेंगे, जब हमें वार्षिक पता चलेगी ये दर, तो 1/6, 3 * 3 = 6, 1/8, कितनी 1/8। दूसरे वर्ष में आपको 8 से 9 हो जाएगी, 8 से कितनी हो जाएगी 9, ठीक। 3 * 9 = 3 * 6 और 3 * 9, तो यहाँ पर आपका 8 * 2 = 16, 7 * 3 = 21, ठीक। अब हम देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है, 6300 रुपये मिश्र धन दिया हुआ है, 6300 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 21 है, तो 21 दिया, कितने गुना ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा। इसका अंतर देखें हम, तो कितने का है 5 का, तो यह भी 300 गुना ज़्यादा होगा, कितना आ जाएगा 1500 रुपये, और यह भी आपका 300 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4800 रुपये, ठीक। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7वां, तो क्वेश्चन 7 आपसे क्या कह रहा है कि किस धन का 33 * 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 7, किस धन का 33 * 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन। अब आपको जो समय दिया हुआ है ये 1 वर्ष और 73 दिन दिए हुए हैं, 73 दिन दिए हुए हैं, और आपसे क्या कह रहे हैं कि 33 * 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 33 * 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 190 हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 190 हो जाएगा। आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक। कुछ नहीं, दर देखें हम, इसे हम बदलेंगे, तो 33 * 99 = 100, 100/3 हो जाएगा, परसेंट का मतलब 100, 1/3। तो अब तो आपको वैसे भी याद हो गया होगा कि 33 * 1/3% का मतलब फ्रैक्शन में 1/3 होता है, तो पहले वर्ष 3 से 4 हो जाएगा आपका, तो मूलधन 3, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 4, 1 ब्याज बढ़ेगा। अब हमें दी हुई है 73 दिन, तो हम इसे वर्ष में बदलें, तो देखें हम कि 365 दिन एक साल में होते हैं, लेकिन आपको 73 दिन दिए हुए हैं, 73 * 73 = 365, 1/5 गुणित दर हमें जितनी दी हुई है 33 * 1/3, इसका 1/3 और निकाल देंगे हम, तो 1/15, यानी 15 से कितना होगा हमारा 16, ठीक। हम देखें 15 * 3 = 45, 16 * 4 = 64, इसका अंतर निकालेंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, 6 में से 5 जाएगा 1, 19 का अंतर रहेगा। अब हम देखें आपको जो दिया हुआ है 190 रुपये, लेकिन हमारा तो अंतर कितना है 19, कितने गुना ज़्यादा है इससे 10 गुना, तो यह भी 10 गुना ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा 640 रुपये, तो मिश्रधन 640 और मूलधन भी 10 गुना ज़्यादा आपका, कितना हो जाएगा 450 रुपये, ठीक। इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें हम इसी टाइप का, केवल ठीक, तो 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन 8 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 आपसे कह रहा है किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपये हो जाएगा, तो वह धन मिश्रधन ज्ञात की, ठीक। तो हम देखें आपको दिया हुआ है किस धन का, यानी आपको वह मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन क्या करना है आपको ज्ञात करना है, दर आपको दी हुई है 50%, दर आपको दी हुई है 50%, समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष 73 दिन, समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष और 73 दिन, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना दिया हुआ है 590 रुपये, और मिश्रधन भी आपको ज्ञात करना है। तो हम दर देखें, पहले आपका 50%, इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो आपको 2 वर्ष के लिए 2 से 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले वर्ष के लिए भी आपका 1 वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए भी आपका 1 से 2, तीसरे वर्ष का आपको पता नहीं, तीसरे वर्ष का आपको दिन दिए हुए हैं, तो 365 दिन का 73वां हिस्सा,
एक बटे पाँच और इसका एक बटे दो, तीसरे वर्ष के लिए आपका एक बटे दस। तो हम देखें मूलधन मिश्रधन, पहले वर्ष दो से तीन, दूसरे वर्ष दो से तीन, तीसरे वर्ष दस से ग्यारह, दस दूनी बीस दूनी चालीस, ठीक है। और यहाँ आपका देखें तीन तरह का नौ निन्यानवे, कितने का अंतर रहेगा आपका इसमें, ठीक है, तो अंतर रहेगा आपका उनसठ का, जबकि यहाँ तो हमें पाँच सौ नब्बे का अंतर दिया हुआ है। तो पाँच सौ नब्बे कितने गुना ज़्यादा है इससे, दस गुना ज़्यादा, यह भी आपका दस गुना ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा नौ सौ नब्बे रुपये, और यह भी आपका दस गुना ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा चार सौ रुपये, ठीक। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।